आज का ये दिन इसी इच्छा शक्ति का जीता जागता सबूत है। सर्वसम्मत से प्रस्ताव पीसी ने किया है कि वहां पर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति आके लड़े, ये हम लोगों ने प्रस्ताव किया। ये 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। CAA की दस्तक। राहुल अखिलेश के खेमे में मच गई खलबली। क्यों पहले लखनऊ और अब दिल्ली में कांग्रेस सपा का मंथन? बीजेपी के सामने कैसे कमजोर साबित हो रहे हैं यूपी के लड़के? क्या फिर से सपा कांग्रेस की बिगड़ गई है बात? नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आज बात बीजेपी के 400 पार के मुश्किल लक्ष्य को साधने के लिए केंद्र की मोदी सरकार के मास्टर स्ट्रोक और इस बीच लखनऊ से दिल्ली तक यूपी के लड़कों के खेमे में जारी मंथन के दौर और सपा कांग्रेस के इस मंथन के सियासी मायनों की। दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच लखनऊ में सोमवार को मंथन हुआ। इस बैठक को लेकर जो खबर सामने आई वो ये थी कि दोनों दलों के बीच लोकसभा चुनाव में साझा रैली करने पर चर्चा हुई। ये रैली पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक की जाएंगी। साथ ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का सॉन्ग भी लॉन्च किया गया। बैठक में अखिलेश यादव और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत दोनों पार्टियों के कई बड़े नेता शामिल रहे। ये तो वो बात हुई जो दोनों दलों के नेताओं ने बताई है। अगर पर्दे के पीछे सच में ऐसा ही हुआ है तो अच्छी बात है। मतलब दोनों दलों के बीच चुनाव की वो रणनीति बन गई है जिसके जरिए बीजेपी के मिशन 80 को यूपी में और देश में बीजेपी के 400 पार के ख्वाब को चकनाचूर किया जा सके। मगर ये हर कोई जानता है कि बंद कमरों में सियासत की जो बात होती है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई नहीं जाती। और ऐसे ही कयास सपा कांग्रेस के बीच होने वाले मंथन को लेकर भी लगाए जा रहे हैं। तभी तो अगर सब कुछ तय हो गया, जो कि पहले भी कई बार तय हो ही चुका था, तो फिर अब मंथन क्यों? चलो मान भी लेते हैं कि चुनाव प्रचार की रणनीति को धार देने के लिए दोनों दलों के नेता लखनऊ में इकट्ठा हुए थे, तो यह भी मान लेना चाहिए कि अब बात पूरी हो गई है। अब तो बस जनता के बीच उतरना बाकी है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि खेल ही कुछ और चल रहा है? लखनऊ में मंथन के बाद अब सपा कांग्रेस के खेमों के नेताओं के बीच दिल्ली में मंथन की बात सामने आ रही, जो बताती है कि जनाब बात गंभीर है, जिसको लेकर दोनों खेमों के नेता अभी भी मंथन में उलझे हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी मोदी परिवार के जरिए जनता के बीच लगातार अपनी पैठ मजबूत करने में लगी हुई, और CAA के लागू होने के बाद तो पूरा खेल ही बदल गया है, जिस पर हम अभी बात करेंगे। और CAA लागू होने से राहुल अखिलेश के बिगड़ती जो सियासी खेल है उसको भी समझेंगे। मगर उससे पहले सपा कांग्रेस के खेमे में मंथन की असली वजह क्या है उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो बात यह है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर से सपा कांग्रेस दोनों ही दलों की राज्य इकाइयों के नेताओं की मांग है कि रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार ही चुनाव मैदान में उतरे। मगर कांग्रेस की ओर से लगातार अमेठी और रायबरेली पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जो दोनों दलों के नेताओं और इन दोनों दलों के नेताओं से जुड़े जनाधार के लिए अच्छी खबर नहीं कही जा सकती। दरअसल गठबंधन के तहत कांग्रेस को जो सीटें यूपी में मिली हैं उनमें अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी, महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, सीतापुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर और मथुरा के नाम इसमें शामिल हैं। तो ऐसे में धीरे धीरे आगे बढ़ती सियासत के बीच जहां यूपी में सपा अभी तक 30 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और उनके सहयोगी भी 50 से ज्यादा सीटों पर यूपी में अपने उम्मीदवार तय कर चुके हैं। मगर फिर भी कांग्रेस अभी भी प्रत्याशियों के चयन में उलझी हुई है। अब ऐसे में CAA लागू होने के बाद तो स्थिति और नाजुक होती दिखाई दे रही है, जिसके चलते ही ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस के नेताओं से कहा जा रहा है कि असमंजस के दौर को खत्म कर तत्काल जमीन पर सियासी रणनीतियों को अमली जामा पहनाया जाए। इसके लिए सपा के नेता कांग्रेस के नेताओं से संपर्क में हैं और मंथन पर मंथन हो रहा है। इस हलचल के बीच केंद्र सरकार की ओर से CAA लागू किए जाने के बाद बीजेपी पर लगातार ध्रुवीकरण के आरोप लगने शुरू हो गए, और सियासी गलियारों में यही चर्चा है कि CAA को लेकर जो वर्ग विशेष के लोगों के बीच भ्रम फैला है वो पूरे लोकसभा चुनाव को दो संप्रदायों पर आधारित राजनीति के आधार पर बांटने वाला है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि यूपी की करीब जो 4 करोड़ की मुस्लिम आबादी है वो चुनाव में किस ओर जाएगी, वो किस दल के नेता पर विश्वास जताएगी।
तो इसका जवाब सीधा सपाट यही है कि आंकड़े बताते हैं कि 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 80% मुस्लिम वोट बैंक सपा के साथ रहा है, जबकि 2017 विधानसभा चुनाव में जब राहुल अखिलेश साथ थे तो करीब 70% मुस्लिम वोट बैंक सपा कांग्रेस गठबंधन को मिला था, जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में मायावती अखिलेश के गठबंधन को 70% मुस्लिम वोटर्स का साथ मिला था। तो वहीं 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 8% और 2014 के साथ साथ 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब करीब 10% मुस्लिम वोटर्स का बीजेपी को साथ मिला था। तो ऐसे हालात में अब जब मायावती अखिलेश राहुल के गठबंधन इंडिया के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं और अकेले चुनाव लड़ रही हैं मायावती, तो दूसरी ओर ओवैसी की एंट्री भी यूपी की फिजाओं में मुस्लिम वोटर्स के बीच थोड़ी हलचल पैदा करने वाली। अब ऐसी स्थिति में मुस्लिम समुदाय का एक मुश्त किसी एक दल के साथ जाना 2024 लोकसभा चुनाव में मुमकिन नहीं लग रहा है फिलहाल अभी तक। लेकिन अब जो सबसे बड़ा फेरबदल होने वाला है वो यूपी के बहुसंख्यक समाज से जुड़े उन तमाम कयासों पर निर्भर है जिसमें यूपी के वैलिड वोट बैंक में अखिलेश का कथित 90% वाला पीडीए कार्ड भी शामिल है। तो वहीं मायावती की भी करीब करीब 20-22% वाला जो दलित वोट बैंक है वो भी शामिल है, जिसमें से अगर अल्पसंख्यकों को मतलब मुसलमानों को अगर हम हटा भी दें तो इस पूरे वोट बैंक से जुड़ा जो वोट बैंक है वो निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जिस दल पर 2024 लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय सबसे ज्यादा भरोसा जताएगा तो उस दल या गठबंधन के खिलाफ बहुसंख्यक समाज वोट के जरिए अपना विरोध दर्ज करा सकता है। अगर ऐसा होता है तो बहुसंख्यक समाज का एक बड़ा वोट बैंक बैठे बिठाए कमल के निशान पर एक मुश्त सधता हुआ नजर आएगा, जिससे बीजेपी की प्रचंड जीत तय हो सकती है। दूसरी ओर विपक्षी एकता के मंच इंडिया के बैनर तले साइकिल पर सवार राहुल अखिलेश को बड़ा झटका लग सकता है। चौतरफा सियासत के बीच कांग्रेस सपा के बीच चरणबद्ध तरीके से हो रहे मंथन को लेकर माना जा रहा है कि कांग्रेस के खाते में आई 17 सीटों पर प्रत्याशियों के अलावा यूपी में खाली विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर भी चर्चा का दौर है। उपचुनाव में कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी, जिसके लिए समाजवादी पार्टी से सहमति भी मांगी गई है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से प्रत्याशियों की लिस्ट के बारे में जानकारी मांगी है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में खाली हुई 5 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होगा, जिन पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी से मिलकर लड़ेगी। इन सभी सीटों पर कांग्रेस ने सपा का समर्थन मांगा है। इन्हीं तमाम संभावनाओं, आशाओं के और आशंकाओं के मद्देनजर कांग्रेस सपा के बीच मंथन का दौर है और सपा अपने उम्मीदवारों के साथ साथ सारे जोड़ गणित सुलझा कर कांग्रेस को भी जल्द से जल्द अपने लोकसभा प्रत्याशियों के ऐलान का संकेत दे रही है, ताकि सियासी गलियारों में हो रही ऐसी चर्चाओं पर पूर्ण विराम लग जाए जो ये संकेत दे रही हैं कि अब कहां उलझ गए अखिलेश राहुल। तो फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आप सबसे मुलाकात एक नए सवाल पर एक सटीक आकलन के साथ। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।